मद में आपने व्यवस्था नहीं किया है। तीनों ने मुझे कहा कि आपने पुनर्विनियोग की परिभाषा नहीं पढ़ी है। हमारे पास कई तरीके हैं, हम पुनर्विनियोग के माध्यम से दे सकेंगे। ये क्या है? हम पुनर्विनियोग के माध्यम से ये क्या है? आप ही कुछ कर रहे हो वरना। माननीय मंत्री जी ने पुनर्विनियोग की परिभाषा बताने का काम किया और उसके बाद चेक कराइए प्लीज। उसके बाद मैंने पुनर्विनियोग की परिभाषा पढ़ी तो निश्चित रूप से पुनर्विनियोग के माध्यम से उस विभाग के पूंजीगत व्यय से दिया जा सकता है, बचत से। तो मान्यवर, मैं आप चूंकि घोषणा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और एक योगी की घोषणा है, एक पीठ के पीठासीवर के घोषणा है, तो मान्यवर ऐसी स्थिति में उस घोषणा का पालन होना चाहिए। और माननीय मंत्री जी जो स्वयं वित्त विभाग के मंत्री हैं, इन्होंने भी कहा कि हम पुनर्विनियोग के माध्यम से भी दे सकते हैं। प्रोसीडिंग आप पढ़ दें, सुन लीजिए। हम भूलते नहीं है, हम भूलते नहीं है। मान्यवर, ये बात दोनों सही है कि जिस समय आप बीच में अगर बोलेंगे तो फिर बात नहीं आ पाई पूरी, या तो इन लोगों के हम तो बीच में बोले नहीं। बात देखिए, 31/5 को मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उस घोषणा में ये नहीं था ये कब से लागू होगा। नंबर दो, जब 5 या 6 दिसंबर को इस हाउस में ये बात आई थी तो हमने इनसे कहा था कि अगर सप्लीमेंट्री में कोई चीज नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते। हमने उसमें सिद्धांत बताया था, हमने ये नहीं कहा था कि हम दे देंगे। देख लीजिए कार्रवाई। हमने ये सिद्धांत बताया था कि हम अगर किसी चीज की हम किसी तरह से उसकी अगर 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 मद खुली है, अगर किसी विषय पर मद खुली है तो हम रीअप्रोप्रिएशन के माध्यम से दे सकते हैं। रीअप्रोप्रिएशन का हमारे पास विकल्प खत्म नहीं हुआ, बंद तो पूरी बात आ जाए। मेरा यह कहना है, मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी 31/5 को, बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें यह समय नहीं था कि कब से लागू होगा, नंबर एक। नंबर दो, जब हमारे सामने ये विषय आपने उठाया, आपने कहा कि सप्लीमेंट्री में आई नहीं, तो हमने कहा हमारे पास और भी विकल्प हैं, उसमें रीअप्रोप्रिएशन भी एक विकल्प है, तो इसलिए हमने उसको सिद्धांत बताया था। हमने ये नहीं कहा था कि रीअप्रोप्रिएशन माध्यम से दे देंगे, ये सिद्धांत बताया। और उसके बाद इसी सदन में ये बात आई थी कि उसके ऊपर GST काफी कट जाती है, तो हमने ये भी कहा था कि अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती हैं, ये बात आई थी। मान्यवर, ये नियम 300 में नहीं आता। इस बार के बजट में है। अगर मान्यवर बजट पड़ा हो तो इस बार के बजट में ये घोषणा, कल रात को देर तक गए थे इसलिए नहीं पड़ा होगा, आपने बता दिया, पढ़ लेंगे। इसमें मान्यवर 1008 करोड़